हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित। स्वागत है आपका सैनी चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे 12 वोल्ट बैटरी, वो भी पुरानी मोबाइल की बैटरी से। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के ऑल पर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से मोबाइल की 3 बैटरी का यूज किया है। ये फ्रेंड्स, मेरे पास छोटी वाली 3 बैटरीज है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन्हें हमें क्या करना है, सीरीज में ज्वाइंट कर लेना है। तो हम सीरीज में कैसे ज्वाइंट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैटरी को इस तरीके से रखकर इसमें टेप लगा लेंगे। तो चलिए मैं इसमें पहले टेप लगा लेता हूँ, इसे अच्छे से ज्वाइंट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे टेप की हेल्प से जोड़ लिया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो व्हाइट वाला वायर है ये माइनस है और ये जो ब्लू वाला वायर है ये प्लस है। तो और फ्रेंड्स, ये जो इसका ब्लैक वाला वायर है ये इसका माइनस है और जो ब्लू वाला वायर है ये इसका प्लस है। तो हमें क्या करना है, प्लस प्लस को प्लस और माइनस को एक में ज्वाइंट कर देना। इस तरीके से हम प्लस और माइनस को एक में इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे, आप देख सकते हैं। अब इस तरीके से हमारे 2 वायर्स निकल गए। अब ये जो ब्लैक वाला है ये इसका प्लस है यानी तीसरी बैटरी का, और ये इसका माइनस है। तो अब हम ये जो इसका प्लस निकला है ये इसके माइनस में हम ज्वाइंट कर देंगे। तो चलिए इसे फ्रेंड्स हम ज्वाइंट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, इन तारों को मैं इस तरीके से लगा दूंगा। और फ्रेंड्स, इसमें मैं येलो कलर का टेप चढ़ा लूंगा ताकि ये सब ना दिखे और इसे अच्छे से मैं कवर कर लूंगा। तो चलिए इसमें टेप चढ़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने इस पे येलो कलर का टेप इस तरीके से चढ़ा दिया और ये इसके 2 वायर्स निकले। तो हमारी अभी एक 12 वोल्ट की बैटरी पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको इसके वोल्ट चेक करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं रख देता हूँ, इसको मैं सेट कर लेता हूँ 20 पर। और फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने रख दिया। अब मैं आपको इसके वोल्ट चेक करा देता हूँ। तो मैंने माइनस को माइनस में लगाया है और ब्लैक वाला इसका पॉजिटिव है, मैं इसका पॉजिटिव में लगा देता हूँ। अब आप फ्रेंड्स वोल्ट्स देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 11 वोल्ट आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसकी वोल्ट। अब मैं आपको इससे 12 वोल्ट की डीसी मोटर चला के दिखा देता हूँ। मैं इससे एक मोटर चलाता हूँ। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास 12 वोल्ट की डीसी मोटर। मैं इसके दोनों तार को टच कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा मोटर अच्छी तरीके से चल रहा है। इसको जरा तार निकलना। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमारा मोटर अच्छी तरीके से रन कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ये मोटर अच्छी तरीके से रन कर रहा है। अब मैं इसे हटा देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को कर दीजिएगा।